हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में जो वर्क है द गिटार प्लेयर और स्वयंवर, जो कि सुनीति नाम जोशी की लिखी हुई दो शॉर्ट स्टोरीज हैं, उनकी समरी लेके आया हूँ। सुनीति नाम जोशी का जन्म इंडिया में हुआ था, पर बाद में वो कनाडा चली गई, जहाँ वो काफ़ी सालों से रह रही हैं। अभी वो यूके में रह रही हैं। इनकी बहुत सारी बुक्स, पोएम्स, फेबल्स, आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, जिनमें द कन्वर्सेशन ऑफ काउ, अदिति एंड वन नाइट मंकी, ब्लू डोंकी, फेबल्स, बिकॉज ऑफ इंडिया सेलेक्टेड पोएम एंड मदर ऑफ माया दी फेमस है। हमारे सिलेबस में इनकी दो शॉर्ट समरी है, जिसमें से पहली है द गिटार प्लेयर। गिटार प्लेयर जो है, इस स्टोरी में क्या होता है कि एक लड़की अपना गिटार बजा रही थी, वहाँ से कोई पर्सन टकपा गुजरा और वो उस लड़की से प्यार करने लगा। लड़की ने पूछा, भाई तुझे मैं पसंद हूँ या मेरा म्यूजिक पसंद है? तो उस बंदे ने कहा कि भाई मुझे, मैं नहीं जानता सही आंसर क्या है। फिर उसके बाद उसने बोला, भी मेरे को, मैं आपको नहीं बताऊंगी कि सही आंसर क्या है। वो फिर गिटार बजाती रही। फिर एक और दूसरा वहाँ से पासर भाई या पर्सन निकला, वो भी उससे प्रेम करने लगा। लड़की ने फिर उससे पूछा कि क्या आप मुझे प्यार करते हो या मेरे गिटार को? तो दूसरे रागीर ने गिटार की तरफ थोड़ा ध्यान से देखकर फिर देखा, फिर लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर उसने कहा कि ठीक है, मैं नहीं जानता, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसका सही आंसर क्या है? लेकिन उस लड़की ने कहा कि ये उत्तर सही नहीं, और फिर अपना गिटार बजाने लग गई। अब दोनों ही रायगिर ने कोई लड़की बहुत पसंद थी, सारी रात उनके माइंड में वो गिटार का म्यूजिक बजता रहा। अगले दिन वो वापिस आए तो उन दोनों ने जो आंसर देना था वो आंसर पहले से तैयार कर लिया। एक ने बोला कि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, भले ही तुम एक भी ट्यून म्यूजिक की ना बजा सको, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा ने बोला कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ कि अगर तुम्हारे पास कोई गिटार भी नहीं है तो भी, मैं खुद का कोई गिटार नहीं है तब भी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। लड़की ने आंसर दिया कि आप ये नहीं समझते हो कि मैं एक म्यूजिशियन हूँ, तो आप किसको प्यार करते हो, मेरे मेरी ब्यूटी को या म्यूजिशियन को? अगर आप मेरे, क्या आप मेरे म्यूजिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते? उन्होंने बोला नहीं। अरे क्या हमने तुम्हें गलत जवाब दे दिया? तो उसने, लड़की ने बोला हाँ। तो लड़की ने बोला कि बताओ सही जवाब क्या है, कि आपको मुझे पूरा प्यार करना चाहिए, जैसी मैं हूँ, जैसी मेरी, जितने भी मेरे अंदर क्वालिटीज़ हैं, जितनी भी मेरी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ जो मेरे पास है या जो आगे मेरे पास होगी, सबके साथ प्यार करना चाहिए। तो वो बोला कि ये तो, वो तो बोला ये तो इम्पॉसिबल है। लड़की ने बोला हाँ, और उसके बाद वो एक सैड सॉन्ग बजाने लग गई। सेकंड क्वेश्चन है, तो इसमें हमें क्या लगता है, इस स्टोरी में हमें ये क्या है कि ये बार बार ये कहना चाहती हैं कि लड़की कहती है कि मेरी जो, मेरे अंदर जो क्वालिटी है, जो मेरी, जो मेरा स्किल है, जो मेरे अंदर कला है, आप उसको महत्व दो, आप उसकी खुद की पहचान दो, ना कि आप मेरी ब्यूटी को देखो। सेकंड क्वेश्चन है स्वयंवर। तो एक बार एक छोटी लड़की राजकुमारी थी जो बहुत बढ़िया सीटी बजाती थी। तो मम्मी ने बोला बेटा सीटी मत बजाया करो, पापा ने बोला बेटा सीटी मत बजाया करो, पर लड़की बहुत बढ़िया सीटी बजाती थी और वो बजाती रही। सालों साल गुजरते गए और अब वो लड़की एक महिला बन गई। अब तक वो सीटी बहुत सुंदर बजाती थी, मम्मी पापा को बड़ा दुख था, भी वो एक सीटी बजाने लड़की से कौन शादी करेगा। मम्मी बोली, पापा ने बोला कि जो इस पोजीशन में हो सकता है हमें वही करना चाहिए, कि अभी कोई भी, जो भी पर्सन मेरी बेटी यानी राजकुमारी को सीटी बजाने में हरा देगा ना, उसको मैं अपनी शादी में अपना राज्य, आधा राज्य और राजकुमारी दे दूंगा। इसकी जो ये राजा ने जो ये एक ऑफर दिया, इस ऑफर को पूरा घोषणा की गई और बाद में सारा महल में
सीटी बजाने वाले जो शादी के लिए इच्छुक लोग थे वो भर गए। बहुत शोर मचा, शोर हो रहा था, बहुत सारे लोग भयानक थे, कुछ ही लोग अच्छे थे। राजकुमारी ने, सबने सीटी बजानी स्टार्ट की, राजकुमारी ने सबको सीटी बजाने में हरा दिया, आसानी से हरा दिया। राजा नाराज था, लेकिन राजकुमारी ने कहा भी महाराज पापा को चिंता मत करो, मैं अब मुझे आप इसमें क्या करो, एक टेस्ट और करने दो और शायद इसे कुछ अच्छा हो जाए। तब वो सबके पास जाके बोली कि भी क्या आप ये मानते हो कि मैंने यू आर बीटन फेयरली, कि आपको क्या आप ये मानते हो, एक्नोलेज करते हो कि आपको सही ढंग से हराया गया। तो सारे बोले नहीं नहीं हम नहीं, हम एक जना ही नहीं बोला, बाकी सब बोले हाँ हाँ हमें तो लगा ये कोई मैजिक था या ये कोई किसी प्रकार की ट्रिक थी, कोई चालबाजी थी, पर एक बोला हाँ हाँ मुझे सही तरीके से, अच्छे तरीके से हराया गया। राजकुमारी मुस्कुराई और अपने पापा को जाकर बोली पापा कि अगर ये मुझसे शादी के लिए एग्री करते हैं तो मतलब ये मुझे रखना चाहते हैं तो मैं इनसे शादी करूंगी। तो इस स्टोरी से हमें क्या है कि हमें इसमें औरतों की इंडिपेंडेंस की बात होती है। सुनिधि नाम जोशी ये कहती हैं कि औरतें जो हैं, औरतों की क्या हमारे यहाँ हमारी इंडियन सोसाइटी में औरतों की जो भूमिका है ना वो पहले से ही सेट है, और अगर थोड़ी बहुत आज़ादी चाहती हैं तो उनके मम्मी पापा या समाज वाले उनके विरुद्ध हो जाते हैं। मेल अभी भी अपने आप को फीमेल से ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं और वो अपनी हार को पसंद नहीं करते हैं। फिर भी ये जो राजकुमारी एक ऐसे पर्सन का चयन करती है जो कि जेंडर इक्वालिटी में विश्वास करता है, उसकी प्रतिभा का सम्मान करता है और अपनी स्वयं की जो उसके अंदर जो कमी है उसको भी स्वीकार करता है। तो चलिए अब हम इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वयंवर, स्वयंवर का मतलब आपको पता ही है, एक ऐसी रस्म जिसमें दुल्हन जो है वो जो लोग इकट्ठे होते हैं उनमें से एक अपने हस्बैंड का चयन करती है। गिटार प्लेयर में ये था कि जो गिटार प्लेयर में व्हाट फीलिंग अराउज इन द हार्ट ऑफ पासर बाय आफ्टर लिसनिंग द म्यूजिक, तो उसको म्यूजिक सुनने के बाद पर्सन को कैसी फीलिंग आई, तो वो क्या करते हैं दे ही फेल इन लव विद हर, उसको वो लड़की पसंद आ गई। अकॉर्डिंग टू द गर्ल डिड द पासर बाई गिव द राइट आंसर, क्या पासर बाई रास्ते चलने वाले पर्सन ने सही आंसर दिया, तो सर नहीं दिया। और हाउ डिड द गर्ल रिएक्ट टू द रिप्लाई ऑफ पासर बाई, तो उसने पास तो गर्ल ने उनको क्या रिप्लाई दिया, तो गर्ल ने उनको बताया कि शी वुड नॉट टेल हिम द राइट आंसर। पासर बाय वाई वर द पासर बाय ग्रेटली परफ्लेक्स्ड, बहुत ज्यादा परेशान क्यों थे, क्योंकि वे डिडंट नो व्हाट द राइट आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ द गर्ल वास, की लड़की ने जो क्वेश्चन पूछा उसका सही आंसर क्या था, और व्हाट वाज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द गर्ल, गर्ल क्या अकॉर्डिंग राइट आंसर ये था कि वन शुड लव हर जस्ट एज शी वास, उसे जो जैसी है उसे वैसी ही प्यार करे, और उसके जितने भी पोजेशंस हैं और जितने भी गिफ्ट्स हैं उनको भी वो प्यार करे, यही सही आंसर था। तो ये जो राजकुमारी थी, व्हाई डिड प्रिंसेस पेरेंट्स ग्रीव या सैड, वो प्रिंसेस के मम्मी पापा परेशान क्यों थे, हर पेरेंट्स आस्क हर नॉट टू विसल, मम्मी कहती थी डोंट विसल, पापा कहते थे डोंट विसल, बट शी डिडंट लिसन टू हर पेरेंट्स, सो हर पेरेंट्स ग्रीव, इसलिए वो परेशान थे। On what basis was the princess finally able to choose her husband? किस आधार पर राजकुमारी अपने हस्बैंड को चुना? The princess asked the suitor whether they are ready to acknowledge that they had been beaten fairly. ये last year question भी आया था कि क्या राजकुमारी ने पूछा कि क्या आप लोग ये मानते हो कि आपको सही तरीके से हराया गया? Except one, all rolled in negative. बाकी सब में से एक ने बोला कि साहब सही हराया, बाकी सबने बोला नहीं नहीं हराया। ओनली वन एक्सेप्टेड इट, द प्रिंसेस चूज हिम एज हर हस्बैंड, तो प्रिंसेस ने उसे अपने हस्बैंड के लिए चूज कर लिया। अच्छा एक था, व्हाई डिड द पेरेंट्स टेल द प्रिंसेस नॉट टू विसल, पेरेंट्स ने विसल करने के लिए क्यों नहीं रोक मना किया था,
हर पेरेंट्स आस्क हर नॉट टू विसल, दे थॉट दैट नो मैन वुड मैरी ए विस्लिंग गर्ल, कि कोई भी पर्सन विस्लिंग गर्ल से शादी नहीं करेगा. व्हाई वाज द किंग डिसप्लीज्ड व्हेन प्रिंसेस बीट द सूटर इन विस्लिंग, राजा वो क्यों नाराज हो गए थे, क्योंकि नाउ द प्रिंसेस कुड नॉट मैरी एनी सूटर, इसलिए वो नाराज हो गया था राजा. सो आई होप फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियो